नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीप वे में। आज हम लोग क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.5 को कैसे सॉल्व करना है वह सीखने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हमें तीन चीजों को सीखना है। पहला हमारा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जोड़ घटाव गुना भाग को कैसे करते हैं। दूसरा हमें यह सीखना है कि किसी भी अपरिमेय संख्या का जो हर होता है उसका परिमेयकरण कैसे किया जाता है। और तीसरा हमारा जो चीज है वह है रूट के अंडर जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उसे हम लोग संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। तो चलिए एक एक करके इसे सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर यह सीखेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को कैसे गुणा किया जाता है। उसके बाद हम लोग भाग, घटाव और जोड़ आदि की संक्रियाओं को सीखेंगे और साथ ही उस पर छिपी जो एक प्रॉपर्टी है उसे भी जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुणन के बारे में। तो उसके लिए मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं 2 × 2 = 4, ठीक है। 2 × 5 = 10, ठीक है। 3 × 3 = 9। ये तो बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन था। चलिए थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। एक हम लोग लिखते हैं परिमेय संख्या, एक हम लोग लिखते हैं अपरिमेय संख्या। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका लिखने का तरीका है 2√2, ठीक। यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां पर मैंने 2 में रूट लगा दिया और 5 में रूट लगा दिया। तो यहां पर इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? रूट के अंदर 2 × 5 = 10, √10, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं √3 × √3। तो ये क्या हो जाएगा? √3 × 3 = √9, ठीक है। चलिए यहां तक बात समझ में आ गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? एक प्रॉपर्टी रिलीज करेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या है? जब रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से गुना किया जाता है तो हमको वापस इरेशनल नंबर मिलता है, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी है, जब रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से गुना किया जाता है तो हमें इरेशनल नंबर मिलता है, ठीक। दूसरा, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से गुना किया जाता है तो फिर से हमको इरेशनल मिलता है, ठीक है। इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से गुना किया जाता है तो इरेशनल मिलता है, यानी कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल इरेशनल होता है, यानी कि अपरिमेय होता है। लेकिन यहां पर आप गौर करिएगा तो ये 9 क्या है? परफेक्ट रूट स्क्वायर है, यानी इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर = 3। तो यहां एक और हमें प्रॉपर्टी नजर आ रही है कि इरेशनल और इरेशनल को गुना करने पर हमें रेशनल नंबर भी मिल सकता है, ठीक है। यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल इरेशनल और रेशनल दोनों हो सकता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो हमको इरेशनल ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर दो इरेशनल को हम लोग गुना करें तो हमको इरेशनल या फिर रेशनल दोनों नंबर्स मिल सकते हैं। ये समझ में आ रही है? मैं इसे क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएंगी और साथ ही इसे हम लोग चैप्टर को हल करने में भी सीखेंगे। तो यहां पर हमने गुणन से दो प्रॉपर्टीज सीख ली। चलिए हम लोग भाग करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं 2√2, ठीक है, 2/√2। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो ये 2 ऐसे हो गया। अब ये √2 है तो ये अपरिमेय संख्या है, तो मान लेते हैं इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ये जो अपरिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है इसका जो दशमलव प्रसार है वो अनवसानी अनावृत्ति के रूप में होगा, और इसको जब हम इससे भाग देंगे तो हमें किस तरह की संख्या मिलेगी? इरेशनल नंबर मिलेगी, ठीक है ना। जब ये हमारा
इरेशनल नंबर है और इससे जब हम लोग इसको भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगी, इरेशनल नंबर ही मिलेगी। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से भाग किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, इरेशनल मिलता है। ठीक है, चलिए इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से भाग करते हैं। तो ये इस फॉर्म में हो सकता है, सपोज करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का फॉर्म में होगा। ये रिपीट करिए ना, एक यहां पर लिख देते और इसे हम लोग मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरीके का फॉर्म में है, यानी कि इसे भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें क्या नंबर मिलेगा, इरेशनल। यानी कि इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो हमको इरेशनल मिलता है। लेकिन एक और एग्जांपल लीजिए, रूट टू बाय रूट टू, दोनों इरेशनल है, कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला, वन, यानी कि रेशनल। तो यहां पर फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेशनल को जब हम लोग रेशनल से डिवाइड करते हैं, अपरिमेय संख्या को डिवाइड करने से अपरिमेय मिलती है, अपरिमेय को अपरिमेय से डिवाइड करने पर रेशनल भी मिल सकता है। यानी कि इरेशनल को इरेशनल से भाग करेंगे तो हमें रेशनल और इरेशनल, यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं मिल सकती है। ये तो हो गया गुणा और भाग के प्रॉपर्टीज। चलिए हम लोग बात करते हैं प्लस माइनस के प्रॉपर्टीज। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यहां पर देखिए टू, ठीक है, यहां पर लिखते हैं हम लोग इसे फाइव माइनस रूट टू। तो इसका आंसर क्या होगा, जाहिर सी बात है ये हमारा किस फॉर्म में होगा, 0.01001001, ठीक है, इसे हम लोग पांच से घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जो फॉर्म मिलेगा वो भी कुछ इस तरीके का फॉर्म में होगा, यानी कि हमें क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। ठीक है, अब अगर इरेशनल को इरेशनल से घटाते हैं तो ये भी कुछ इस तरीके का फॉर्म में होगा और ये भी इस तरीके का फॉर्म में होगा। सपोज करते हैं रूट थ्री क्या है, रूट थ्री इस फॉर्म में हो, ठीक है, और ये इस फॉर्म में हो, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में जब ये होगा तो ये दोनों इस तरीके के फॉर्म में होगा। इसको अगर हम लोग घटा देते हैं तो हमें कौन सा फॉर्म मिल जाता है, फिर से इरेशनल वाला फॉर्म मिल रहा है, ठीक। लेकिन अगर हम लोग ऐसे लिखे तो रूट टू माइनस रूट टू, तो यहां पर हमें क्या मिल जाता है, जीरो, और जीरो क्या है, इरेशनल नंबर है, यानी कि हमें फिर से क्या प्रॉपर्टी मिल रही है कि रेशनल नंबर को इरेशनल से जब हम लोग घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, इरेशनल मिलता है। लेकिन इरेशनल यानी कि अपरिमेय को अपरिमेय से घटाने पर हमको इरेशनल भी मिल सकता है और रेशनल भी मिल सकता है, रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। अगर यहां पर प्लस लगा दे तो कंफ्यूज नहीं करना, प्लस लगा देंगे यहां पर 5.01001001, फिर से इरेशनल मिला, यानी कि सेवंथ प्रॉपर्टी क्या मिल रही है, अगर इसे हम लोग प्लस भी करते हैं तो हमें इरेशनल मिलता है। और यहां पर अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो हमें तो पहले इरेशनल मिल रहा है, पहले तो हमें क्या मिल रहा है, इरेशनल मिल रहा है। अब अगर कोई माइनस में है और कोई प्लस में है, ठीक है, कोई माइनस में है और कोई मेरा प्लस में है, तो इसको तो हम लोग सम कर रहे हैं तो फिर से हमें जीरो मिल रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इरेशनल से इरेशनल को जोड़े तो हमें रेशनल के साथ साथ इरेशनल भी मिल सकता है। ठीक है, तो इन सारे एग्जांपल्स को लेने से मेरा यही तात्पर्य है कि हमें एक बहुत बढ़िया से प्रॉपर्टी मिल रही है और इन सारे प्रॉपर्टी को मैं समराइज करके आपको दो लाइन में बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए वो क्या है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणा और भाग, हमें अपरिमेय संख्या ही मिलती है। एक परिमेय और एक परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग, हमें अपरिमेय संख्या ही मिलती है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, दो अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव
गुणन और भाग, परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती है। ठीक है, मतलब एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ घटाव गुना भाग हमेशा इरेशनल यानी कि अपरिमेय ही होगा, लेकिन अगर दोनों हमारा संख्या अपरिमेय है तो या तो वो रेशनल नंबर हो सकता है या फिर वो इरेशनल नंबर हो सकता है। ये सारे प्रॉपर्टी समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इसके पहले क्वेश्चन में हमें यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को देखिए और बताइए कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो इसका पहला जो भाग है वहां पर हमें क्या मिल रहा है, 2 - √5, यानी कि एक हमें रैशनल नंबर मिल रहा है और एक हमें इरेशनल नंबर मिल रहा है, और उसका घटाव क्या होता है हमेशा इरेशनल। ठीक है ना, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो घटाव होता है, गुणन होता है, योग होता है और भाग होता है, वो सारा इरेशनल होता है, इसलिए ये हो जाएगा अपरिमेय। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, 3+ ये हो गया, ये माइनस ये, ठीक, ये कट गया, √23 प्लस वाला, √23 माइनस वाला कट गया, ये 3 बचा, 3 कैसा संख्या है तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ये वाला देखिए 2 * √7, ये तो कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि दो एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, रेशनल नंबर, रेशनल इरेशनल नंबर। ठीक है, एक परिमेय एक अपरिमेय का गुणन क्या होता है, इरेशनल होता है। अब यहां पर देखिए √7 से √7 कट गया, आंसर कितना आया 2/7, ये क्या गया परिमेय संख्या। तो इससे हमें दो प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है कि पहले तो एक परिमेय और एक अपरिमेय को गुणन कर रहे थे तो हमको इरेशनल मिल रहा था, और इरेशनल और इरेशनल को डिवाइड करते हैं तो वो रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता था, यहां पर हमें क्या मिला है परिमेय संख्या मिला है, परिमेय संख्या। नेक्स्ट 1/√2, ये √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का हमेशा हमारा जो भाग गुणन योग और घटाव सारा क्या होता है, अपरिमेय होता है, अपरिमेय। ये एकदम आसान वाला क्वेश्चन है, पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय से परिमेय मल्टीप्लाई हो रही है, क्या हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, तो पहले नंबर क्वेश्चन को हमने हल करना सीख लिया, अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने सीखना है, और इसके लिए हमें 3 फॉर्मूला याद होना चाहिए जो हम लोग 8वां क्लास में पढ़ के आए हैं। इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है, आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा, a + b² = a² + 2ab + b². ये फर्स्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर 2, a - b² = a² - 2ab + b². और तीसरा फॉर्मूला है a + b a - b = a² - b². ये मेरा 3 फॉर्मूला है, और इन्हीं फॉर्मूलास का यूज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कहा जाता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो हमें क्या करना है, इन सारे व्यंजक को सरल करना है। आइए इसे कैसे सरल करते हैं उसे हम सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वो 3 फॉर्मूला से मैच नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर है a + b और c + d, ये कहीं पर भी मैच नहीं कर रहा है। इसे कैसे सॉल्व करना वो मैं बताता हूं। सबसे पहले ये 3 को लिखना है, ये ब्रैकेट यहां पर लिख लेना है, 2 + √2। पहले मैंने 3 को लिखा, फिर ये वाला ब्रैकेट को यहां पर लिख लिया, ठीक है, फिर +√3। क्वेश्चन आएगा, सर अगर यहां पर माइनस रहता तो, हम लोग यहां पर माइनस लिख देते, यहां पर प्लस इसलिए प्लस, फिर से ये ब्रैकेट को यहां पर लिख लेना है, ठीक है। पहले ये वाले संख्या को मैंने लिखा, फिर ये ब्रैकेट को यहां पर लिख लिया, +3 लिखा, फिर ये वाले ब्रैकेट को यहां पर लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग गुना करेंगे, 3 * 2 इसको इससे गुना करेंगे, 3 * 2 = 6,
थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं, 3 गुना 2 प्लस 3 गुना √2 प्लस √3 गुना √2 √3 गुना 2 प्लस √3 गुना √2। ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो 3 को पहले 2 से गुना किए, फिर 3 को √2 से गुना किए, 3 को 2 से गुना किए, 3 को √2 से गुना किए, √3 को 2 से गुना किए और √3 को √2 से गुना किए। अब हमें इसे क्या करना है और सरल करना है, 3 × 6 ठीक है। अब प्लस 3 × √2 कैसे लिखते हैं हम लोग, ये होता है मेरा फॉर्म लिखने का, प्लस √3 और ये हो जाएगा 2 इधर, ठीक है, ये हो गया। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, एक ही ऐसे करके लिखते थे, 3 × 2 3 × 2 एक साथ लिखते थे, फिर √6 हो जाता था, तो इसे हम लोग लिखेंगे यहां पर प्लस √6। अब यहां पर 3 √2 प्लस 2 √3 ये जुटेगा नहीं। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, जैसे यहां पर लिखा हुआ हो √2 प्लस √2 तो ये एक जैसा है ना, इसके आगे एक छिपा हुआ है, 1 और 1 2 तो 2√2 √2 और √2 2√2 ठीक है, √2 प्लस 3√2 तो 1√2 और 3√2 कितना हो जाएगा 4√2। यानी कि अंदर वाला जो रूट अगर सेम रहे तो उसे हम लोग जोड़ या घटाव कर सकते हैं, जैसे 4√2 घटाओ 2√2 तो 4√2 में 2√2 घटाएंगे तो 2√2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग संक्रियाएं करते हैं घटाव और जोड़ का। तो यहां पर ये 2√2 है, सॉरी ये 3√2 है और ये 2√3 है, तो ये समझातीय नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे प्रश्न को हमें कैसे हल करना है। क्वेश्चन है 3 प्लस √3 × 3 − √3। तो यहां पर हमें क्या करना है, इस 3 को यहां पर लिख लेंगे, इस ब्रैकेट वाले को हम लोग ऐसे लिखते हैं प्लस √3 प्लस √3, फिर से इस ब्रैकेट वाले को हमें यहां पर लिख लेना है, ये हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे यहां पर लिखते हैं, फिर ये वाले ब्रैकेट को यहां पर, फिर यहां पर −3 रहता तो −3, यहां पर +√3 है तो +√3 लिख करके इस ब्रैकेट को हम लोग यहां पर लिख लेंगे। अब हमें सिंपल इसे क्या करना है, इंटू करना है, 3 × 3 माइनस है, माइनस 3 × √3 ठीक है, प्लस √3 × 3 − √3 × √3 ये बिल्कुल आसान वाला स्टेप है, ठीक है। यहां पर इंटू आएगा, 3 × 3 = 9 माइनस, इसे हम लोग इस प्रकार से गुना करके लिखते हैं, हमें सीखा है प्रीवियस वीडियो में, +3√3 −√3 और √3। जब ये रूट बराबर होते हैं तो इसे हम लोग क्या कर देते हैं, 3 लिख लेते हैं, क्यों, यहां पर देखिए √2 × √2 तो इसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, और ये क्या होता है, परफेक्ट रूट स्क्वायर होता है, इसलिए ये 2 बाहर निकल जाता है। वैसे ही √3 और √3 है तो ये 3 बाहर आ गया। नेक्स्ट यहां पर 9 और 3 को घटाएंगे तो 6 मिलेगा, √3 और √3 हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक और मेथड है जिससे हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 2 स्टेप में। उसके लिए हमें इस फॉर्मूले पर गौर करने की आवश्यकता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, अगर 3 को हम लोग a मान लें और √3 को b, तो ये a + b और a - b के फॉर्म में लिखेगा, और इसका फॉर्मूला क्या है, a² - b² बस हमें क्या करना है, यहां पर a² - b² करना है। a का क्या वैल्यू है, 3 का स्क्वायर, माइनस b का क्या वैल्यू है, √3 का स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा 9 3 × 9, इसका मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, ये 9 हो गया, माइनस √3 × √3 सिर्फ 3 आएगा ये वाला, ठीक। अब इसमें घटाएंगे तो 6, ये हमारा आंसर है। तो इसे आप
ये वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और ये फॉर्मूले वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसे पुराने वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर स्क्वायर लिखा हुआ है यानी इसे हम क्या कर सकते हैं, दो बारी लिख सकते हैं, रूट पांच जोड़ रूट दो गुना रूट पांच जोड़ रूट दो, और फिर इसे हम लोग लिखेंगे यहां पर इस वाले ब्रैकेट को यहां, फिर प्लस दो लिखेंगे फिर ये वाला ब्रैकेट को यहां, और इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड तो हमने सीख लिया, हम लोग सीखने वाले हैं कि इसे फॉर्मूला के थ्रू हमें कैसे सॉल्व करना है, जो इस रूप में हमें दिख रहा है। अगर रूट पांच को ए और बी हम लोग मान लेते हैं रूट दो को, तो इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्मूला में हम लोग इस संख्या को पुट कर देंगे तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर हमें मिल जाएगा रूट पांच का स्क्वायर प्लस दो गुना रूट पांच गुना रूट दो, ये ए टू ए बी टू ए बी, ठीक है, प्लस रूट दो का स्क्वायर। रूट पांच का स्क्वायर क्या होता है, रूट पांच गुना रूट पांच एक ही संख्या है यानी कि रूट से पांच बाहर आ जाएगा, प्लस दो रूट पांच रूट दो एक साथ लिखेंगे इसे, ये क्या हो जाएगा रूट दस, तो दो रूट दस प्लस यहां पर रूट टू इंटू रूट टू, तो यहां पर क्या हो जाएगा टू, एकदम आसान वाला स्टेप है। फिर इसे सॉल्व करते हैं, पांच और दो सात प्लस दो रूट दस, और ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके इसे तीन स्टेप में बना लेते हैं। अगर हम लोग इसे इस मेथड से बनाते तो थोड़ा सा लॉन्ग बनता लेकिन आंसर सेम आता, तो आप दोनों में से किसी भी मेथड को एग्जाम में हल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इसके डी वाले क्वेश्चन को कैसे बनाना है। यहां पर देखिए रूट पांच माइनस रूट दो रूट पांच प्लस रूट दो ए माइनस बी ए प्लस बी, ये वाला क्वेश्चन को बस यहां शिफ्ट कर गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यहां पर ए प्लस बी वाला ब्रैकेट इधर है इस साइड पर उधर है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी सेम हमारा फॉर्मूला होगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर क्वेश्चन आ सकता है, सर क्या आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल, यहां पर हमें रूट पांच लिखना होगा, फिर से ये वाला ब्रैकेट को लाना होगा और फिर से यहां पर माइनस रूट दो लिखना होगा और इस वाले ब्रैकेट को यहां पर लाना होगा, सॉल्व करिए आंसर सेम आएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसे आइडेंटिटी से यूज करके बनाएंगे। आइडेंटिटी के थ्रू बनाने से क्या होता है, क्वेश्चंस आसानी से बन जाते हैं और हमें बहुत कम स्टेप लगता है, ठीक है। तो ये वाला तो हम सीखे हुए हैं, चलिए हम लोग आइडेंटिटी से इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट पांच का स्क्वायर माइनस रूट दो का स्क्वायर। अब इसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, रूट पांच का स्क्वायर क्या हो जाता है पांच, रूट दो का स्क्वायर क्या हो जाता है दो, और यहां पर आंसर हो गया तीन। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर टू को हमें हल करना है। यहां पर दो फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज हुए, पहला ए प्लस बी वाला और ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला, साथ ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। अगर इन तीनों फॉर्मूला के अलावा कोई और हमें क्वेश्चंस आते हैं जो आइडेंटिटी को मैच नहीं करते हैं, इन तीन फॉर्मूला को मैच नहीं करते हैं, तब हमें क्या करना है, उसे इस वे में सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए लिखते हैं, ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ए लिखने के बाद सी प्लस डी कर देते हैं प्लस बी और फिर से सी प्लस डी, ठीक है। इस वाले मेथड से हम सारे क्वेश्चंस को हल कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, जब आपका आइडेंटिटी मैच कर जाता है तो आप इसे फॉर्मूला के साथ ही बनाइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।